पहले तो आप लोगों को थैंक्स अ लॉट मेरे लास्ट दो वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। लास्ट दो वीडियो में मैंने चिकन के रेसिपीज बताए थे, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो। अभी चिकन के रेसिपीज डालने के बाद काफ़ी वेजिटेरियन लोगों ने बोला कि कुछ वेजिटेरियन भी बताओ, वेजिटेरियन डाइट भी बताओ, वेजिटेरियन रेसिपीज बताओ। तो अभी वेजिटेरियन रेसिपीज में मैं आज बताऊंगा कि पनीर पुदीना सैलड कैसे बनाता है। अभी बात करते हैं पनीर की, तो काफ़ी लोग पनीर अवॉइड करते हैं कि उसमें सैचुरेटेड फैट है, वो अनहेल्दी है, नहीं खा सकते। तो सैचुरेटेड फैट तो है लेकिन अनसैचुरेटेड फैट भी है, तो आप लोग पनीर खा सकते हो बिफोर बेड, एक घंटे दो घंटे पहले आप लोग खा सकते हो पनीर, बस उसको प्री वर्कआउट में खाना अवॉइड करें क्योंकि पनीर में फैट होता है, तो फैट आपका डाइजेशन स्लो कर देता है। तो आप बिफोर बेड एक घंटे दो घंटे पहले उस पनीर को खा सकते हो। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। चलिए हम देखते हैं क्या क्या लगेगा पनीर पुदीना सैलड बनाने के लिए। हम यूज करेंगे कुकुम्बर, बीटरूट, लेटस लीव्स है, कैरेट है, ब्रोकली, ये बेल पेपर्स, इसको शिमला मिर्च भी बोलते हैं, मैंने दो कलर के यूज किए हैं। पुदीने की चटनी है, ड्रेसिंग के लिए काम आएगी। पनीर है, पनीर की जगह आप टोफू भी यूज कर सकते हो, मशरूम भी यूज कर सकते हो। ऑलिव ऑयल, ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। यहाँ पर ब्लैक पेपर और मैंने स्प्राउट्स और कॉर्न को मैंने मिक्स कर लिया है, ये थोड़ा सा यूज कर लिया। और सॉल्ट टेस्ट के लिए बस। सबसे पहले तो वेजिटेबल्स को सौते करना है, तो उसके लिए हमें नॉनस्टिक पैन लगेगा कढ़ाई, और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छे से हीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं वेजिटेबल सौते करना। इसको ऑलिव ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लिया, लिड से मैं ढक देता हूँ, 2 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखते हैं लिड हटा के, ये देखिए वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई है। अब बाकी के वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं और स्प्राउट्स और कॉर्न भी ऐड कर देते हैं। हम सैलड रेडी कर देते हैं, अभी पनीर को बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट एकदम थोड़ा टेस्ट के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये सैलड रेडी हो चुका है, अब हमें पनीर को कुक करना है। अब बिना कुक किए भी ऐड कर सकते हो पनीर को डायरेक्टली, लेकिन मैं थोड़ा सा कुक करूंगा इसको ऑलिव ऑयल में। अभी आप लोग देख सकते हो कि सैलड तो रेडी हो चुका है, इसको रख देते साइड पर, इसको मैंने बॉयल में उतार दिया, इसको रख देते साइड पर। अभी हम कुक करते हैं पनीर। पनीर को कुक करने से पहले नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको हीट करना है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, इसमें हम ऐड करते हैं पनीर। पनीर को हम लिड से कवर कर देते हैं 4 मिनट के लिए। ये गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब कुक हो गया, तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक कर देते हैं। अभी चेक करते हैं पनीर कुक हो गया कि नहीं। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब ये कुक हो चुका है। इसको अब हम सर्व करते हैं बोल में। गाइस पनीर पुदीना सैलेड रेडी हो गया है। आप लोगों ने देखा कितने कम टाइम में और कितने कम चीज़ों के साथ मैंने इसको बना लिया। वेजिटेरियंस लोग आई होप कि आप भी ट्राई करोगे, एंड ट्राई करके प्लीज़ रिव्यू बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा टेस्ट था। एंड अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सकता है उतना उसको शेयर करना ताकि बाकी लोग भी देख सके, एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना मत मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहे। थैंक यू।